चिड़ियाघर का दबंग ठेकेदार ने पेप्सी की बोतल से किया पत्रकार पर हमला। राजधानी के प्राणी उद्यान के म्यूजियम में असिस्टेंट डायरेक्टर के पति की दबंगई। HT न्यूज लखनऊ। आज जब हमारी टीम राजधानी के चिड़ियाघर के कैंटीन के पास से गुजरी तो वहां एक बच्चे के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। पूछने पर पता चला कि पेटीज खाने के बाद उल्टी होने लगी। कैंटीन के संचालक करने वाले वसीम से पूछा तो वो अपना रौब झाड़ने लगा। कहा कि पत्रकार हैं, बीसियों साल से कैंटीन चला रहा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे भाई की बीबी म्यूजियम की असिस्टेंट डायरेक्टर है, किसी से पतला नहीं मूतता हूँ। तो इस बात की जानकारी करने के लिए हम म्यूजियम पहुँचे तो असिस्टेंट डायरेक्टर अलसाज फातिमा, जो दबंग की पत्नी है, वह ना मिल सकी। लेकिन अन्य असिस्टेंट डायरेक्टर ने यह पुष्टि की कि वह उन्हीं की पत्नी है। जब हम उनकी कैंटीन की वीडियो बना रहे थे तभी वसीम कैंटीन संचालक आया और ST न्यूज़ के वीडियो जर्नलिस्ट का माइक छीनकर उससे अभद्रता करने लगा और बुरी बुरी गालियां देने लगा, जिससे वो वहां पर बैठे लोगों ने सुनी और कैंटीन संचालक की दबंगई भी देखी। लेकिन हमारा कैमरा यहीं नहीं रुका। जब हम उनकी कैंटीन का निरीक्षण करने जा ही रहे थे तो दरवाज़ा बंद, चेहरे से साफ झलक रहा था सब झोलमाल है और अपनी कैंटीन की खामियां को छुपाने का पूरा प्रयास किया। पूरा चिड़ियाघर प्रशासन इसके इशारों पर काम करता है। कैंटीन के दबंग संचालक ने ताबड़तोड़ 50 फ़ोन करके वहां पर 10 दबंग लड़कों को बुला लिया, जिसमें वन विभाग के सिपाही भी शामिल थे और बोल रहे थे, आप लोगों ने कैंटीन वालों से लड़ाई की है, उन्हें मारा है, डायरेक्टर के नाम से धमका रहे थे कि बुला रहे हैं। तभी दबंग का एक और भाई वहां पर आया और कहने लगा कि अगर ये वीडियो दिखा, अच्छा, तो तुम तीनों को जान से मार दूंगा, लेकिन हमने भी कसम खाई है, सच्चाई दिखाकर ही रहेंगे। दबंग कैंटीन संचालक का एक रसूख तो मानना ही पड़ेगा कि सरकारी जमीन पर 20 साल से उसका कब्जा है और उसके एक फोन पर सुरक्षा कर्मी और कुछ गुर्गे हमेशा किसी भी मामले को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं। चिड़ियाघर के प्रमुख डायरेक्टर भी इसमें शायद शामिल है, क्योंकि जगह जगह कैमरा लगे होने पर भी उनकी कोई प्रतिक्रिया हम तक नहीं पहुंची। जब वन विभाग के मंत्री दारा सिंह चौहान को मौके पर फोन किया गया तो उनका नंबर भी बंद जा रहा था। सवाल जो हमें खटके, सालों से एक ही व्यक्ति को चिड़ियाघर में कैंटीन का आवंटन क्यों? इतनी दबंगई जब पत्रकारों से की जा रही है तो आम जनता का क्या हश्र करते होंगे? क्या फूड इंस्पेक्टर जांच के लिए नहीं आता? अच्छा, मारना क्यों दे रहे हो?